हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम एक लॉन्ग हेयर कट लेके आए आपके लिए और बहुत ही अच्छा इनका हेयर कट आया है और इनके पैरों तक इतने ज़्यादा लॉन्ग हेयर है, बहुत ज़्यादा आगे आपको नज़र आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है इन मैम के और लेयर कट फ्रंट से किया और बैक से थ्री स्टेप किया है, शॉर्ट हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है। और दोस्तों ये इनकी मैम की छोटी गुड़िया थी और पीछे से भी देख सकते हो इनका प्यारा, बहुत ही प्यारा कट आया है, बैक भी और फ्रंट भी दोनों ही। और किस तरह से किया हमने ये कट हम दिखाएंगे। इनके हेयर भी देख लीजिए कितने ज़्यादा लॉन्ग है, आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है इनके हेयर, आप देख सकते हो अच्छे से। अब हम इनकी सबसे पहले कटिंग शीट लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इनके हेयर कैसे। हेलो दोस्तों, तो आज हम मैम की करने वाले हैं स्टेप कट यानी थ्री स्टेप। तो मैम के काफी ज्यादा लॉन्ग हेयर है, आप देख सकते हो। ये देख सकते हो मैम के बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर है, लेकिन मैम को आज शॉर्ट हेयर कराने हैं। बहुत परेशान हो गए, लंबे बाल सिवाने बहुत मुश्किल होते हैं। छोटे छोटे स्टेप आए, ये मतलब इससे छोटे नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो भाई तो ये देखा मैम का आपने कितना ज़्यादा हेयर काटा है हमने, और ये सिर्फ एक गाइडलाइन बनाई है हमने। ये देख सकते हो किस तरह से कटा है, ये देखो आप कितने ज़्यादा हेयर है लॉन्ग कट चुके हैं। अब इसको हम गाइडलाइन लेंगे और फिर इसी के बाद देखो कितने सारे कट चुके हैं शुरू में, कितनी ज़्यादा लाइन। अब इसी में हम स्टेप और लेयर देंगे, दोनों फ्रंट लेयर देंगे और बैक से हम स्टेप देंगे। हमने फोर सेक्शन में डिवाइड कर लिया है मैम के पूरे हेयर और इसी में हम छोटे छोटे सेक्शन में काम करेंगे। हमने देखो आगे से सबसे पहले दो लेयर उठाई है और पीछे से भी हम एक गाइडलाइन बना लेंगे। ये नीचे से हमने नीचे से ले लिया जो हमारी गाइडलाइन थी और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। तो इसी को जितना ऊपर की तरफ जो नीचे का बार जाएगा ना, उसको हम गाइडलाइन लेंगे। जो सबसे नीचे का बाल है ऊपर के बालों से मिक्स करेंगे, यानी उसको गाइडलाइन लेंगे। जो भी उस बाल से नीचे के बाल से बाहर निकलेगा उसको हम कट कर देंगे। कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे आपको, ये लाइन पूरी कट हो चुकी है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में हम छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और मैम का पूरा कट कर देंगे और इसमें बहुत ही अच्छी लेयर स्टेप आ जाएंगे। अब हमने दोनों साइड कर लिया है, अब उस साइड से हम एक साइड से जो हमने गाइडलाइन बनाई है दोनों साइड से उठाएंगे और उसको ही हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और जितनी भी गाइडलाइन से बाहर निकलेगी, ये देखो गाइडलाइन से बाहर निकल रहा है हमारा कट और इसको ही हम कट कर देंगे। तो हमने कट कर दिया, दोबारा रीचेक करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा हेयर रीचेक में निकलेगा उसको भी कट कर देंगे। अब ये दोनों साइड हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम एक साइड से कट उठाएंगे यानी थ्री स्टेप में उठाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जो भी गाइडलाइन से हमारा बाल निकलेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं, जिससे कि आप बिल्कुल इजी तरीके से इस पे काम कर सके और आराम से अपने सैलून में कर सके या घर पे भी कर सके। तो इस तरह से एक एक छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं थ्री स्टेप में और इस तरह से कटने हैं। लेयर भी आएगी इसमें और स्टेप भी आएंगे, दोनों आएंगे इसमें। और बहुत ही प्यारा कट आया है, बहुत ही अच्छा कट है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे और फिर भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, जितने मैम को चाहिए थे हमने सबसे पहले मैम से पूछ लिए। अब हम सारे बाल हम ऊपर की तरफ काट दिए हमने, अब सब आगे की तरफ लाएंगे और छोटी छोटी लेयर देंगे इसमें। ये देख रहे हो हमने लेयर दे दी है और पूरी एक साइड की हमारा कट हो गया। अब दूसरी साइड आएंगे हम, दूसरी साइड भी गाइडलाइन पे जितने भी बाहर निकलेंगे उसको ही हम एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल कट है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो अपने सैलून में, सीख सकते हो। इस तरह से हम ये कट बहुत आसान तरीके से दिखा रहे हैं जिससे कि आप लोग आराम से अपने सैलून में कर दें। हमने तीनों साइड से ले लिया, अब आगे से हम पूरे सारे हेयर आगे लाए और हल्की लेयर दे दी। तो इस तरह से
दोस्तों आप लोगों से एक बात और कहनी है, ये कोई अंजू बजाज चैनल है जिसने हमारे चैनल की वीडियो यानी हमारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है और मैंने ये इसको कमेंट भी किया है, आप पढ़ सकते हो। हमने इसको बोला अंजू बजाज हमारी वीडियो रिमूव कर दीजिए, लेकिन इसने अभी तक नहीं किया। अगर ये कल परसों तक रिमूव नहीं करती तो मुझको इसको स्ट्राइक भेजनी पड़ेगी, इससे कि इसका चैनल कुछ दिनों में डिलीट हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या मुझको इसको स्ट्राइक भेजनी चाहिए? अगर ये वीडियो डिलीट नहीं करती इसके बरसों की मेहनत ख़त्म हो जाएगी। अगर ये अंजू बजाज वीडियो देख रही है तो मैं उनसे अब भी कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को डिलीट कर दीजिए, वरना मुझे मजबूर होना पड़ेगा आपको स्ट्राइक भेजने के लिए। दोस्तों चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हमें पीछे से भी स्टेप देने हैं, हमने लेयर आगे से तो दे दिया, अब हम पीछे से स्टेप देंगे और आगे का एक गाइडलाइन लेंगे और पीछे के सारे बाल ऊपर उठा के और जितना भी एक्स्ट्रा गाइडलाइन से निकलेगा उसको हम कट कर देंगे। ऊपर की तरफ सारे बाल लेके जाने हैं, एक एक छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं पीछे से भी और ऊपर की तरफ सारे बाल लेके जितने भी गाइडलाइन से लिख लेंगे। बहुत सिंपल कट है, बहुत ही आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं, बस गाइडलाइन से बाहर जितना भी एक्स्ट्रा हेयर निकलेगा उसको हमें कट करना है। बहुत ही आसान है, आप लोग समझदार हो एकदम आसानी से समझ जाओगे, आप हर चीज़ अच्छे से बारीकी से समझते हो तो इसको भी आराम से समझ जाएंगे। छोटे छोटे सेक्शन ऊपर की तरफ लेके जाने हैं, गाइडलाइन से छोटी गाइडलाइन लेनी है और एक बाल को छोड़ना, दूसरा लेकर नीचे की तरफ और उसको गाइडलाइन से बाहर एक्स्ट्रा जितने भी निकले और पूरा कट कर देना। और लास्ट में हम दिखाएंगे इनका बहुत ही अच्छा हेयर कट हुआ है और आप भी इसको बताना कमेंट करके कि कैसा कट लगा। अगर लास्ट तक वीडियो देख लीजिए फिर उसके बाद कमेंट करना वीडियो पे। ये देख रहे होंगे आप कितना, और भी मैंने इसकी वीडियो शॉर्ट भी अपलोड की है, बतेरों ने कमेंट भी किया है सर फुल वीडियो अपलोड करें। हमने इस साइड का पीछे की साइड का एक पूरा स्टेप भी दे दिया है, आगे करके हमने रीचेक भी किया, अभी दूसरी साइड का भी हम करेंगे। ऊपर की तरफ ही सारे हेयर लेके जाएंगे, देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर निकला है रीचेक से बाहर, तो उसको भी हम कट कर देंगे। अब इसी तरह से हम नीचे से भी और सेक्शन लेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो आप घर पे भी और सैलून में भी। तो ये देख रहे होंगे कट कर दिया है और हल्की सी नोचिंग भी करते रहना बीच बीच में रीचेक करके, जिससे कि हमारी बहुत अच्छी आ जाती है जब हम आगे करके डालते हैं नोचिंग में। तो इस तरह से ऊपर की ले जाना है और आराम से कट कर देना है, बहुत सिंपल है, आसान है। तो ये देख रहे होंगे हमने नीचे से गाइडलाइन ली और एक ऊपर ले जाके पूरा कट कर दिया है। अब ये हमारा पीछे का सबसे नीचे का रह गया है, इसको भी हम ऊपर की तरफ ले के जाएंगे, गाइडलाइन से रीचेक करेंगे और उससे जितना भी एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम सीजर की मदद से कट कर देंगे। तो इसी तरह से ऊपर की साइड उठाना है और कट कर देना। तो अब हम सारे बाल हम आगे की तरफ लेके आएंगे जिससे कि हमारे हल्की हल्की लेयर आ जाए। तो हमारे पीछे के भी कट हो गया, आगे का भी आप लोगों ने देख लिया है। अब हम इसको अच्छे से आगे की तरफ लेके जाएंगे, दोनों की साइड देखेंगे बराबर है क्या नहीं। तो हमने दोनों की तरफ देख सकते हैं, तो हमारा दोनों की तरफ बराबर आ गया। अब हल्की सी हेयर में मसाज देंगे और फिर हम पीछे का भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसा कट आया है, आप लोग देख के बताना। अभी हमें पीछे भी दिखाऊंगा करके। अब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सारे बालों को रीचेक करेंगे एक ब्रश की हैंडल ब्रश की मदद से सारे ऊपर लेके जाएंगे और उसमें नोचिंग करेंगे, सीजर से नोचिंग करेंगे जिससे कि अच्छी लेयर अच्छे स्टेप आ जाए, जितना भी एक्स्ट्रा हेयर होगा सारा निकल जाएगा। अब हम नोचिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप, तो बहुत अच्छा कट आ जाए। अब देख सकते हो इनकी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो, जितनी मैम ने बोली थी उतनी ही आई है। अब हम इसमें ड्रायर करके दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हो आप कितना अच्छा कट आ गया हमारा। अब आप लोग ये कट देख के बताइए और कमेंट करिए कितनी अच्छी देखो लेयर आई है एक कर प्रॉपर, फ्रंट से और बैक से भी दिखाएंगे अच्छे से, यार हम अच्छे से दिखा रहे हैं आपको। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मैम का लॉन्ग लेयर कट और स्टेप कट कैसा लगा। आपने देख लिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे मैम के और बहुत ही अच्छा कट आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और मैम से भी पूछते हैं कि कैसा लगता है मैम को मैम का हेयर कट। अब आप भी सुन लीजिए मैम क्या बोलती है और उनको कैसा लगा हमारा हेयर कट, तो आप लोग देख सकते हो क्या बोलती है मैम भी, मैम भी बताएगी आप लोगों को, मिल देखिए। ठीक है मैम, कैसा लगा आपको?
और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैम आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थैंक यू बहुत अच्छे बाल काटे थे यार, बहुत अच्छे। ये देख सकते हो आप। Thank you.